एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी का, जो आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। आज हम मानचित्रण के माध्यम से इन क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। और पूरे विश्व में देखा जाए वर्तमान में तो टोटल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में, भारत में केवल 4 है। भारत में कितना है? केवल 4। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक दो शब्द टर्म्स पे बात करते हैं। सबसे पहली बात है यहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। यह शब्द जो आपका निकल के आया है जैव विविधता हॉटस्पॉट, इसको सबसे पहले इस शब्द का उपयोग करने वाला पर्सन कौन था? नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स, एक तो ये टॉपिक, एक ये मान लो पूछ लेता है, देखो पीसीएस वगैरह में तो आता है, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1988 में। कब किया गया? 1988 में। ठीक है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा शब्द है कि जो आपके नॉर्मन मायर्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है पहली बार सूची तैयार की गई। एक संस्था आपकी द कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये एक आपका एनजीओ है, उसके साथ मिलकर के हॉटस्पॉट की पहली बार इन्होंने सूची तैयार की। विश्व में टोटल 36 मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अब देखिए एक बार समझने का प्रयास करिए कि कोई भी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट कैसे घोषित किया जाता है। सबसे पहली बात, यहां पर व्यापक स्तर पर जैव विविधता होनी चाहिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब है जहां पर जैव विविधता से उच्च हो, लगभग 1500 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हो, मतलब कम से कम 1500 मौजूद होनी चाहिए प्रजातियां। कम से कम कोई भी स्थल को जैव विविधता हॉटस्पॉट तब बोलते हैं जब वहां पे 1500 प्रजातियां क्या होनी चाहिए? मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, ये 1500 जो प्रजातियां हैं, कम से कम 1500 प्रजातियां, ये कहां होनी, कैसी होनी चाहिए? पृथ्वी पर अन्य कहीं नहीं पाई जानी चाहिए, ये केवल इसी जगह पे पाए, तभी केवल विश्व में 36 स्थल हैं, इससे ज्यादा नहीं है। कम से कम 1500 प्रजातियां पाई जानी चाहिए, कम से कम 1500 प्रजातियां पाई जानी चाहिए, और इसके लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं। ठीक है, और ये 1500 प्रजातियां पूरी पृथ्वी में कहीं और नहीं पाई जानी चाहिए, यानी कि ये स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए, स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और भारत में टोटल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में टोटल कितने? 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। आप लोग एक बार मानचित्र में देखिएगा, और इनसे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि हमारे भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। पहला आपका ये आप देख पा रहे हैं, नंबर एक ये है आपका हिमालय क्षेत्र। हिमालय आपका पहला है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा है? हिमालयन रीजन है। ठीक है, पहला रीजन है। एक मिनट रुकिएगा, तो पहला तो हिमालय है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र आपका कौन सा है? पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ये दोनों को मिला देते हैं एक साथ, ये वाला, ये रीजन, ये दूसरा है आपका, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तीसरे पे आ जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा।
हिमालय हो गया पहला, दूसरा हो गया पश्चिमी घाट और श्रीलंका का, तीसरा जो आपका है वो है इंडो वर्मा, इंडो वर्मा, इंडो वर्मा रीजन, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं ये तीसरा है आपका इंडो वर्मा रीजन, ठीक है, ये पूरा इंडो वर्मा रीजन है। और जो चौथा है आपका उसको बोलते हैं सुंडालैंड, सुंडालैंड यहां पे, ये वाला रीजन आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है सुंडालैंड में, और साथ में आपका जो यहां पे इंडोनेशिया वाले द्वीप हैं आपके, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सब सुंडालैंड में आते हैं, सुंडालैंड, ठीक है। चौथा है आपका सुंडालैंड, ये टोटल चार हैं आपके, चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है सभी को, स्पष्ट है, चार है। यहां पे एक स्टूडेंट हैं गोविंद कुमार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि एक कमेंट से बात नहीं बनेगी, कम से कम कमेंट की बौछार कर दो। आप लोग एनिमल मूवी देख के आते हैं क्या? हाँ, एनिमल मूवी में देखा ना, वो एक बंदूक बनवाता है और उसमें वो फिर वो बंदूक को, आपको पता ना, वो एक साथ एक गोलियां नहीं निकालती है, वैसे आप लोग कमेंट की बौछार कर देते हैं, इतने कमेंट मत किया करिए भाई, मैं डर जाता हूँ, है ना। सुबह भी अभी एक बच्चा था, वो इतने सारे कमेंट कर डाला सुबह, कमेंट पे कमेंट, एक ही बात को, एक ही बात को 10 बार पे, उनको लगता है कि 10 बार बोलेंगे तो सर फिर पक्का ध्यान देंगे। कई बार आपकी ट्रिक सही भी हो जाती है, लेकिन आप सही बताऊं मैं कि मैं, मुझे कई बार लगता है मैं सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मोस्ट डिसिप्लिन बच्चे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अब ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, सर बीपीएससी के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हिंदी मीडियम में? देखो हिंदी मीडियम में तो कोई अच्छा न्यूज़पेपर है ही नहीं, फर्स्ट थिंग, यदि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो एक ही न्यूज़पेपर अच्छा है मुझे, वो है द हिंदू, और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक न्यूज़पेपर चुन लो। अच्छा, यदि हिंदी मीडियम में ही पढ़ना है कि नहीं मैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे तो इंग्लिश आती भी नहीं और मैं इंग्लिश सही भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, दैनिक जागरण का आपके शहर का संस्करण नहीं चाहिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या फिर जनसत्ता, दूसरा ऑप्शन जनसत्ता है, लेकिन ज्यादा बेटर है कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लीजिए, जनसत्ता के आर्टिकल वगैरह अच्छे हैं, तो ये दो न्यूज़पेपर में से कोई एक देख लेना, अब भाई मत पूछिएगा आप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र है ना, इससे क्वेश्चन आपका आएगा और पूछेगा, तो आएगा और पूछेगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, हिमालय के बारे में आप सभी जानते हैं कि हिमालय जो है पृथ्वी में सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहां पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, और ये पाकिस्तान से लेकर के नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र जितना भी है ना, यहां और यहां तक चाइना वाले क्षेत्र में इसका विस्तार काफी ज्यादा है, पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार तक इसका, और यहां तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इसका वो है। यहां पे बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, कई सारे गिद्ध पाए जाते हैं, है ना, यहां पे बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, गैंडे पाए जाते हैं, असम वाले रीजन पे देखे तो यहां पे गिद्ध पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं, गैंडे पाए जाते हैं, जंगली भैंसे पाए जाते हैं, कई सारे पंछी यहां पे पाए जाते हैं, कई सारे स्तनधारी पाए जाते हैं, स्तनपायी पाए जाते हैं यहां पे, तो बहुत सारी आबादियां यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। और हिमरेखा तो है ही है, हिमरेखा के ऊपर कोई भी जीव जंतु और कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे कई सारे निर्जातीय समूह, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में कई सारी आपकी जनजातियां भी पाई जाती हैं, कई सारे अलग अलग निर्जातीय समूह पाए जाते हैं, कई सारी यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो सब कुछ है यहाँ पे, ये हिमालयन रीजन पे, और इसी कारण से इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र के तौर पे रखा गया है। तो पहला तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका, दोनों को एक साथ जोड़ करके मैं रख रहा हूं, ठीक है। मैं पश्चिमी घाट वैसे अलग से पढ़ाऊंगा आपको, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं और इसको कई भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो मैं अलग से इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहां पर डिस्कशन के लिए ये एक साथ ही हम इसको पूरा रखते हैं, पश्चिमी घाट और श्रीलंका को, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां पर मालाबार तट है, कन्नड़ तट है और ऊपर कोंकण तट है, ये पूरा का पूरा सह्याद्री क्षेत्र है आपका, जो ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है आपका पश्चिमी घाट। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये पर्वतों की एक श्रृंखला है, ठीक है, पर्वतों की श्रृंखला है, लेकिन ये आपका जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही रिच है। यहां पे
जो अरब सागर की शाखा आती है उसका पानी रोक करके खूब बारिश होती है, जबरदस्त बारिश होती है यहाँ पे। तो ये आपका वर्षा क्षेत्र भी है, यहाँ पे वर्षा भी होती है खूब बढ़िया से, और इसमें बहुत सारे प्राकृतिक दर्रे मौजूद हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, अगस्त मलाई पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, पालिनी पहाड़ी है, कार्डमम हिल है ना, यहाँ पे साइलेंट वैली है और बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे कई सारे आपके पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल के तौर पे भी इसको रखा गया है, ठीक है। और श्रीलंका वाला क्षेत्र आपका, आपको पता है ये आपका विषुवत रेखा के बिल्कुल नजदीक पड़ता है आपका, तो यहाँ पर भी जो है खूब सारी जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद है आपका ये वाला इंडो वर्मा वाला क्षेत्र, इंडो वर्मा रीजन। इंडो वर्मा वाला जो रीजन है इसमें कई सारे देखिए आपको क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक तो म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, ठीक है, ये सब आपके इसमें सबको कवर करता है। म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड भी है इसमें, म्यांमार, ठीक है, इसमें कई सारे हैं आपके इंडो वर्मा में, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड, इधर वियतनाम है, आप लोगों को मानचित्र तो पता ही होगा ना यहाँ का, लाओस है, ठीक है, यहाँ पे कंबोडिया है, कंबोडिया है, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो हल्का चीन का कुछ हिस्सा, और इधर भारत का भी नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इसलिए इंडो वर्मा बोलते हैं इसको पूरा का पूरा। तो गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी कुछ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इधर का ऊपर का हिस्सा देख लें, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा आपका सुंडरलैंड में चला जाता है, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे भी बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो शाखा है, मानसून है, वो खूब वर्षा कराता है, और हॉटस्पॉट क्षेत्र के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, सरीसृप, बहुत सारे आपके जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सुंडरलैंड है, ये आपका सुंडरलैंड, सुंडरलैंड में देखिए कौन कौन से है। सुंडरलैंड में देखा जाए तो इसमें कई सारे द्वीप है आपके, ठीक है, मैं नाम लिखता हूं। एक तो पहली बात मलेशिया है आपका यहां पे, मलेशिया, मलेशिया, यहां पे आप नीचे देखेंगे तो यहां पे सिंगापुर है आपका। अब आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के द्वीप हैं सारे, इंडोनेशियाई द्वीप हैं, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ठीक है, ये सारे के सारे इसके साथ सम्मिलित हैं। यहां पर ब्रुनेई एक छोटा सा देश है, ब्रुनेई सुंडरलैंड में। तो ये सब आपका सुंडरलैंड हॉटस्पॉट रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, और ये यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेसिया, रिफ्लेसिया भी यहाँ पर है, सुंडरलैंड में ही रिफ्लेसिया पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प बोलते हैं रिफ्लेसिया को, ठीक है, लगभग 1 मीटर से अधिक बड़ा फूल होता है, आप सोच लो इतना बड़ा फूल है वो रिफ्लेशिया, कभी सर्च करना गूगल में आपको मिल जाएगा, सुंडरलैंड में ही पाया जाता है। तो टोटल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है आपके, ठीक है, हिमालय, पश्चिमी घाट, और जो है श्रीलंका वाला रीजन, ये आपका जो है इंडो वर्मा रीजन, और यहां पे सुंडरलैंड वाला रीजन, ठीक है, यहां पे ये आपका जो है हॉटस्पॉट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हॉटस्पॉट क्षेत्र में जैव विविधता तो होती है, लेकिन जैव विविधता संकटग्रस्त भी होती है, कई सारे पर्यावास यहाँ पे नष्ट भी हो चुके होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैव विविधता को संकट भी देखने को मिलता है, जहां पे जैव विविधता होगी वहीं पर संकट भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है भारत में 4 जो है जैव विविधता क्षेत्र है जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और आपको ये सारे देखने होंगे। क्लियर, स्पष्ट है? पश्चिमी घाट मैंने लिखा है, पश्चिमी घाट मोस्ट रिच आपका जैव विविधता क्षेत्र है आपका, ये भारत का। क्लियर है सभी को? स्पष्ट है? चलिए अब इसको एक बार खुद से भी पढ़िएगा, इससे जुड़े हुए कोई भी फैक्ट फिगर कुछ भी हो एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए।